राकेश टिकैत जी का एक बयान अभी आया था कि संसद घिराव के लिए 200 किसान जाया करेंगे, उस पर जो भी संयुक्त किसान मोर्चे का निर्णय होगा उसे फॉलो किया जाएगा। अगर वो 200 कहेंगे तो 200 जाएंगे, अगर वे 10,000 कहेंगे 10,000 जाएंगे, अगर वे 10,00,000 किसान को आदेश करेंगे और 10,00,000 किसान जो है गाँव में तैयार बैठा, हमारे ट्रैक्टर तैयार खड़े हैं दिल्ली की तरफ पूछिए, और जब अगर उनका एक कॉल होगा 40,00,000 ट्रैक्टर जो है दिल्ली की तरफ को है, दिल्ली आएंगे 40,00,000 ट्रैक्टर। नमस्कार N24x7 न्यूज़ में मैं सूरज सिंह आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर और लगभग 7 महीने से अधिक का समय हो चुका है किसानों के संग्राम को। पंचायत चुनाव हो, आगामी विधानसभा चुनाव हो, उनको लेकर किसानों ने अपनी रणनीतियाँ काफ़ी हद तक तय कर दी हैं। आइए आपको दिखाते हैं, कुछ किसानों से बात करवाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी आगे क्या रणनीतियाँ हैं और सरकार से उन्हें क्या उम्मीद है। यहाँ पर यह एक टेंट है जिसमें कि सामने से आए हुए किसान बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि सरकार से इन्हें क्या उम्मीद है, कब तक इनकी रणनीतियाँ तय होगी। सर, जैसा कि 7 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, क्या उम्मीदें हैं, कब तक? अजी वो तो सरकार बताएगी, सरकार कब तक हमारे जो है ये मांग मानती है, और जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी आंदोलन तो चलता रहेगा। आर्थिक परेशानियाँ? अजी बस आर्थिक परेशानी तो है ही, हमारे गन्ने का जो है पेमेंट नहीं करती मिले, एक एक साल से जो है हमारा पेमेंट नहीं हो पा रहा, गन्ने का बकाया है। योगी सरकार के मंत्री तो कह रहे थे कि गन्ने का सारा बकाया हमने, बल्कि समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के 11,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश का गन्ने का बकाया है। आर्थिक स्थिति इतनी डाउन है, अब 90% किसान अपना क्रेडिट कार्ड का पैसा जो बैंकों से लोन ले रखा है उसे जमा नहीं करा पा रहे, बिजली के बिल जमा नहीं कर रहे, सरकार दमनकारी नीति अपना रही, किसानों को जो है मजबूर कर जा रहा है भाई जो है ये बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे, जब किसान के पास पैसा नहीं है उसकी उपज का मूल्य उसे नहीं मिलेगा तो कैसे जो है वो करेगा। सारे अभी मंत्रिमंडल, नया मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, सारे मंत्रियों को बदला गया है, लेकिन कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को नहीं बदला गया, क्या उम्मीद है कि नरेंद्र तोमर सहायक भूमिका निभाएंगे इस आंदोलन को समाप्त करने में? जो इसे बदल रखे तो सरकार की ढेर किरकिरी हो जाती, बदलेंगे तो इसे भी जरूर, पर यू है किसान आंदोलन अट रहा, इसकी डर की वजह से नहीं बदला। कभी किसान जो है यहाँ खुशियाँ मनाने लगा कि भाई हमने जो है इसे हटवा दिया और हम आंदोलन जीत कर जाएंगे, कभी किसान जो है एक मोमेंटम पकड़ जा उस वजह से नहीं हटा, पर हटेगा जरूर, उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। राकेश टिकैत जी का एक बयान अभी आया था कि संसद घिराव के लिए 200 किसान जाया करेंगे, उस पर जो भी संयुक्त किसान मोर्चे का निर्णय होगा उसे फॉलो किया जाएगा। अगर वो 200 कहेंगे तो 200 जाएंगे, अगर वे 10,000 कहेंगे 10,000 जाएंगे, अगर वे 10,00,000 किसान को आदेश करेंगे और 10,00,000 किसान जो है गाँव में तैयार बैठा, हमारे ट्रैक्टर तैयार खड़े हैं दिल्ली की तरफ पूछिए, और जब अगर उनका एक कॉल होगा 40,00,000 ट्रैक्टर जो है दिल्ली की तरफ को है, दिल्ली आएंगे 40,00,000 ट्रैक्टर, 40,00,000 अगर किसानों को बोलेंगे तो 1 करोड़ किसान आएगा। अभी कुछ दिन पहले राकेश टिकैत के हाथ में सिलेंडर देखा गया था महंगाई को लेकर, क्या लगता है किसान सिर्फ अपने मुद्दे को लेकर बैठे हैं या फिर अब देश की सारी समस्याओं को लेकर बात करें? देश की सारी समस्याएं जो है अपने आप ही जो है एक के एक बाद एक जो है समस्याएं सामने आती जा रही, जब बीजेपी की सरकार आई उस टाइम जो है स्मृति ईरानी हो चाहे अमिताभ बच्चन हो, गैस के सिलेंडर लेके जो है सड़कों पे आंदोलन करते थे, 350 रुपये का सिलेंडर था, आज 900 रुपये का सिलेंडर है। फिर भी हौसला तो कहीं ना कहीं टूटता होगा, समय बहुत अधिक हो चुका है। नहीं नहीं, हौसला हमारा नहीं टूटता, क्योंकि हम किसान हैं, हम सूखे से भी जूझना जानते हैं, हम बरसात से भी जूझना जानते हैं, हम सर्दी से भी जूझना जानते हैं, हमारा तो जो है जीवन ही संघर्ष है। आपको क्या लगता है कि चुनावों के बाद ही सरकार मानेगी, उससे पहले समाप्त हो सकता है? नहीं, चुनाव में तो अगर चुनाव तक जो है सरकार ना मानित, सरकार को हम अपने आप ही मना देंगे, देश की जनता जो है बाट देख रही इंतजार कर रही चुनाव कब आवे, चुनाव में तो इन्हें सबक सिखा ही देंगे अगर हमारी जो है मांगे नहीं मानी गई, और चुनाव में तो यही नहीं रहने के, आने वाली सरकार के साथ लड़ाई लड़ेंगे जो भी होगा, आगे आने वाली सरकार ऐसी सरकार
चुनेंगे अब जो हमारी समस्याओं का समाधान करें। पहले कई बार रेल रोको प्रदर्शन किया गया, रास्ते धरने पर जाम किए गए, लेकिन काफी दिनों से किसान आंदोलन में ऐसी कोई बड़ी क्रिया प्रक्रिया हुई नहीं। नहीं नहीं, मतलब हमारा संयुक्त मोर्चा जब जो निर्णय लेगा, मैंने पहले भी बोला, जो जब निर्णय लेगा वो रेल रोको या रेल की पटरी उखाड़ो या सड़कें तोड़ो या पार्लियामेंट पे चढ़ो या जो भी उनका निर्णय होगा उसे फॉलो करेगा किसान। किसान जो है वो इंतजार में है कि भाई इधर से आदेश क्या आता है। ये था हमारे साथ शामली तहसील के अध्यक्ष, इन्होंने कहा कि किसानों के आगे की रणनीतियाँ सरकार के हवाले से हैं, किसान हमेशा वार्ता के लिए तैयार है, सरकार जब वार्ता करने आएगी किसान हमेशा वार्ता के लिए तैयार है, और किसान भी चाहते हैं कि इस मुद्दे को समाप्त किया जाए, देश की जनता भी किसानों के साथ है, इनका ये कहना है। इसी के साथ गाजीपुर बॉर्डर से कैमरामैन सूरज सिंह के साथ शौरद बाकर, NI24 न्यूज़।